अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पापा हमें आशीर्वाद दीजिए सुरभि मां कि हम अपना प्रण पूरा कर पाए। हमें आशीर्वाद दीजिए पापा हमेशा खुश रहो बेटा। सीता मैया और प्रभु राम तुम्हारा प्रण पूरा करने में तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। सुनो बेटा सुमन। जी पापा। बेटा क्या तुमने सोचा है जब भी सुरभि जी को होश आएगा तब उन्हें तुमने जो निर्णय लिया है उसके बारे में पता चलेगा, तब उन पर क्या बीतेगी सोचा है? नहीं पापा, हम तो ये भी नहीं जानते कि हम सुरभि मां का सामना कैसे करेंगे। शायद हमारी वजह से सुरभि मां का दिल टूट जाएगा, लेकिन अब आप ही बताइए, हमें घर को भी तो टूटने से बचाना है। लेकिन बेटा दिल तो तुम्हारा और अंशुमन का भी तो टूटा है, मुझे पूरा विश्वास है सुरभि जी तुम्हारी परिस्थिति को समझ पाएंगी, जरूर समझ पाएंगी। जाओ बेटा। सुमन तुम यहां हो, सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम आते यही सही मौका है सुमन को गुलाल लगाने का। वहीं रुक जाओ। ऐसा करने की सोचना भी मत। सुमन, लोग कहते हैं गुलाल खुशियां बिखेरता है और सारे गिले शिकवे दूर कर देता है, तो तुम मुझे लगाने से क्यों रोक रही हो? हाँ चलो कम ऑन। सुमन कहाँ रह गई थी? सुमन लाल तो मैं तुम्हें लगाऊंगा सुमन, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे जैसे भी हो,
सुमन पर गुलाल का पहला रंग नंदन का ही चढ़ेगा। इस घर में कोई हमारे साथ गुलाल खेलता ही नहीं। कहे कि सुमनिया सबको अपनी तरफ कर ली है। कोई बात नहीं, हम खुद ही गुलाल लगा लेंगे। अरे ये सब छोड़िए मामी जी, आपने आज का अखबार देखा? नहीं, क्या हुआ? 6 महीने के जेल के बाद रिहा हुए शिरीष बाबू, अरे राय बहादुर देव की नंदन झा की बहू सुमन के साथ जबरन शादी करने और अंशुमन झा की साजिशन हत्या की कोशिश के मामले में शिरीष भारद्वाज जेल में थे, लेकिन अब उनकी जमानत हो गई है। मामी जी, शिरीष बाबू जेल से बाहर आ गए हैं और वो सुमन से बदला लेने के लिए बहुत ही बेचैन है। अब हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अयो दादा, उनका मदद करके हमको क्या फायदा होगा? अरे मामी जी, फायदा ही फायदा है। कैसे? बस ये समझ लीजिए कि शिरीष बाबू नोट छापने की मशीन है और सुमन के बहाने हम उनसे मोटी रकम ले सकते हैं। अभी सुमन के साथ कुछ हुआ तो बदनामी नंदन बाबू की होगी और जिम्मेदारी दोनों भाई की। एकदम सही कहा मामी जी। तो बताइए, क्या विचार है आपका? वही विचार है जो आपका है, तो मिलाइए हाथ।